अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जौली अजीम के हर सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हड़ताल वर्की के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, हड़ताल वर्की को इसके अलावा हड़ताल वर्किया भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये सेम टाइम दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसे हर्बल चाइनीज देसी इंग्लिश अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका जो केमिकल नेम है येलो आर्सेनिक सल्फाइड इसे बोला जाता है। और दोस्तों, हड़ताल वर्की के अंदर आर्सेनिक और सल्फर का आंसर पाया जाता है। इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग होती है और इसका जो केमिकल फार्मूला है As2S3 है। और दोस्तों, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी गैर नामियाती मरकब है ये। और दोस्तों, देखने के अंदर येलो डार्क सॉलिड सब्सटेंस होता है। और दोस्तों, जब मार्केट से आप इसे खरीदते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और जो नॉर्मल मिलता है वो इनएक्सपेंसिव होता है। और दोस्तों, पानी के अंदर ये हल नहीं होता लेकिन अमोनिया के अंदर ये हल हो जाता है। दोस्तों, इसे बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसे पेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पिगमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए हेल्थ पॉइंट के हवाले से तो इसका जो मजाज गर्म खुश्क है। और दोस्तों, हकीम लोग इससे बहुत सारे जो है मजूने बनाते हैं, अद्वियात बनाते हैं, मरहम बनाते हैं, कुश्ता जहाज बनाते हैं। इसे मर्दाना जिनसी कमजोरी के हवाले से जो अद्वियात होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैर जरूरी जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं उसे रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जहाँ पे आप इसे एक दफ़ा लगा लें तो वहाँ पे बाल बहुत मुश्किल के साथ आते हैं। और दोस्तों, इसके जो बेहतरीन असरात है बाल उतारने के लिए अजवाइन के साथ है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए जिस्म के गैर जरूरी बालों को उतारने के लिए एक नुस्खा भी बताऊंगा। और दोस्तों, हड़ताल वर्की आपको हर पंसारी स्टोर से, हर्बल स्टोर से, केमिकल कंपाउंड शॉप से आसानी के साथ मिल जाता है और आप इसे ऑनलाइन हर्बल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थे हड़ताल वर्की के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, हड़ताल वर्की जो है क्योंकि आर्सेनिक का कंपाउंड है तो इस वजह से ये जहरीले साथ रखता है। और जब भी आप इसे जिस्म के ऊपर स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं या इंटरनली ले रहे हैं, किसी अच्छे हकीम हर्बलस केमिकल एक्सपर्ट से मशवरा कर लीजिएगा, आप इसे खुद से इस्तेमाल ना कीजिएगा। दोस्तों, जब तक हड़ताल वर्की का आप बारीक खल किया हुआ सफूफ जो 10 घंटे तक तकरीबन होता है जब तक इस्तेमाल ना करें तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आते, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों, जब भी आप हड़ताल वर्की को इस्तेमाल करें तो इंतहाई बारीक पीस लें, कम अज़ कम 8 से 10 घंटे से खल करें। और दोस्तों, जब इसकी चमक ख़त्म हो जाए, ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, तो तब ही इसे किसी नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करें। अदरवाइज इसे इस्तेमाल करने से आपको मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है आपका, आपकी जेल्स के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। और दोस्तों, गले मुँह के अंदर छाले निकल सकते हैं, जलन हो सकती है, मेदे के अंदर शदीद दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है। दोस्तों, इस वजह से इसे इश्तियाक के साथ किसी भी नुस्खा के हवाले से इस्तेमाल करें। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हड़ताल वर्की यानी येलो आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बेनिफिट्स बताए, यूजेस बताए, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, मजीद अगर आपको कोई सवाल है येलो आर्सेनिक सल्फाइड यानी हड़ताल वर्की के बारे में तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्य खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए जो बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोज ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली अजीम को इजाजत दे, जय हाफिज़, टेक केयर।